उन्नाव रेप कांड से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 5 केस जो है वो दिल्ली ट्रांसफर किए हैं। रोजाना अब इन केसों की सुनवाई की जाएगी। 45 दिन में इन सुनवाइयों को पूरी करना है। पीड़िता के परिवार और वकील को सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान की जाएगी। पीड़िता को 25 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। तो उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 5 केसों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ ही सभी मामलों की सुनवाई 45 दिन में पूरा करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले में रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार को सीआरपीएफ सुरक्षा देने का आदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को यह आदेश दिया है कि पीड़िता को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। तो ये अब पूरा का पूरा जो मामला है, इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो, इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। रायबरी में जेल में है, उसको भी खतरा है, जान को खतरा है, उसको भी वहाँ से रायबरेली से शिफ्ट कर दीजिए दिल्ली, क्योंकि सारे केस जो है दिल्ली को शिफ्ट किया, वो उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन लेने के लिए सीबीआई को भी आदेश दिया है। जो विक्टिम एक्सपेंसेस जो है, एक गरीब परिवार से है, उसका इंटरिम कंपनसेशन के तहत और 25 लाख जो है कल एक दिन में उसको सौंप देने के लिए, मदर को देने के लिए कह दिया है। तो रोजाना केसों की सुनवाई होगी। अमित सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, क्या जानकारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्देश दिया है कि दुष्कर्म पीड़िता से जुड़े हुए सभी जो मामले हैं वो उन्नाव से दिल्ली ट्रांसफर किए जाए, और जो सड़क हादसा है 7 दिन में उसकी जाँच हो, और बाकी जो अन्य मामले हैं उनकी 45 दिन में जाँच पूरी हो। यानी कि अब सख्त रुख अपनाया है सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर, और कुछ क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि जो यूपी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती थी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, उसी उत्तर प्रदेश सरकार से सुरक्षा लेकर सीआरपीएफ को सुरक्षा सौंप दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इसका सीधा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अब उत्तर प्रदेश की सरकार की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। इसके साथ ही 24 घंटे के अंदर पीड़िता के परिवार को 25 लाख रुपए यूपी सरकार उनको मुआवजे के रूप में दे, ये भी निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सभी 5 केस जो उन्नाव रेप केस से संबंधित है, सभी 5 केस 45 दिनों में जो सीबीआई जांच कर रही है वो जांच पूरी हो, जबकि उन्नाव एक्सीडेंट केस 1 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट के साथ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। तो एक तरीके से यूपी सरकार के लिए सीबीआई के लिए एक बड़ा सेटबैक है। सीबीआई की तरफ से संपत मीणा जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुई। उन्होंने सीबीआई की तरफ से अब तक का क्या स्टेटस है उस स्टेटस रिपोर्ट रखा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपको उन्नाव एक्सीडेंट केस के लिए कितना वक्त चाहिए, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उनको 1 महीने का वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल एतराज जताते हुए कहा कि 1 हफ्ते के अंदर आप इस पूरे मामले की जांच करके हमको स्टेटस रिपोर्ट सौंपेंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में यूपी सरकार के लिए एक बड़ा सेटबैक है। अब पीड़िता के परिवार की सुरक्षा सीआरपीएफ बरेली यूनिट को सुप्रीम कोर्ट ने सौंप दी है। जी अच्छा, बिल्कुल, ये अब पूरा का पूरा जो मामला है, इसमें जो बाकी केसेस हैं उनको 45 दिन में पूरा किया जाएगा, लेकिन जो सड़क हादसा उसको 7 दिन में उस केस की जांच हो, ऐसा अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी भी इस वक्त ऑनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। पंकज, आपके पास क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? शंकर, देखिए, मेडिकल कॉलेज की तरफ से अभी जो बुलेटिन जारी हुआ है 11 बजे के आसपास, उसमें उसकी हालात अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। हालांकि ट्रामा सेंटर के जो डॉक्टर हैं उनका कहना है कि उसकी जो हालात है वो स्थिर है। अगर परिजन या सरकार उनको बाहर ले जाना चाहती है तो ले जा सकती है, डॉक्टरों का मानना है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से आज उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख मुआवजे के साथ साथ सीआरपीएफ की सुरक्षा परिवारजनों को देने की सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है। सीआरपीएफ को बकायदा इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे रखा है। इसके अलावा यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का विश्वास नहीं है, झटका है, यानी सुप्रीम कोर्ट भी यूपी पुलिस पे विश्वास नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी एक झटका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर उसकी सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान और उसके साथ साथ कोकिंग तथा विक्टिम जो है उनकी भी सुरक्षा सीआरपीएफ करेगी। इसके अलावा
लगातार सरकार घिरती नजर आई। कल इसी मुद्दे को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में तलब किए गए थे, क्योंकि कुलदीप सेंगर का पार्टी से निष्कासन नहीं हुआ था। आज खबर आ रही है कुलदीप सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के कोई भी बड़े नेता इस मुद्दे को सुनने के लिए अब तक तैयार नहीं है। हालांकि सरकार बार बार इस बात की दुहाई दे रही है कि इनकी जो जांच है वो जारी है के तहत। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो रायबरेली में दुर्घटना हुई है उसकी 7 दिन में पूरी रिपोर्ट जो है मुझे सौंपी जाए और सारे केस उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर कर दिया, यानी दिल्ली ट्रांसफर हो गए। 5 केस इससे जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ सीबीआई ने भी जांच तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आने के बाद कल रायबरेली में सीबीआई की टीम थी। आज लखनऊ के अलावा सीतापुर जेल जहां पे कुलदीप सिंह बंद है वहां पे सीबीआई लगातार संबंधित जो लोग हैं इससे जुड़े उनसे लगातार पूछताछ कर रही। परिवारजनों से पूछताछ करने के लिए सीबीआई की टीम एक ट्रामा सेंटर पहुंची है। फिलहाल ट्रामा सेंटर में भी पूछताछ जारी है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी फजीहत यहां पे सामने आई है, क्योंकि बार बार सरकार से जो विपक्ष था वो मुआवजे की मांग कर रहा था, सुरक्षा की मांग कर रहा था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर एयर लिफ्ट कराने की स्थिति में हो तो उसको दिल्ली एयर लिफ्ट कराया जाए। तो सरकार को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को नसीहत है और सुप्रीम कोर्ट ने सारे केस दिल्ली उत्तर प्रदेश से बाहर यानी ट्रांसफर कर दिए। इसका भी उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका है। साथ ही सुनवाई जल्द से पूरा करने का निर्देश दिया है। जो यूपी उत्तर प्रदेश सरकार जो अब तक लगातार कानून व्यवस्था की जो सुरक्षा कर्मी थे पीड़िता के उसमें वो भी उस वक्त हमने देखा कि लापरवाही थी, जब एक्सीडेंट हुआ वो उनके साथ नहीं थे। बहुत शुक्रिया आपका पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है पीड़िता और उसके परिजनों को सुरक्षा मिले और 25 लाख रुपए का जो मुआवजा है उत्तर प्रदेश की सरकार दें। इसके अलावा जो एक्सीडेंट का मामला है उसके 7 दिन में इसकी जाँच हो और बाकी जो केसेज हैं उनकी जाँच 45 दिन में पूरी हो, यानी कि सख्त रुख अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर अपनाया है।